पार्ट टू के लास्ट में हमने देखा था कि मैरी बेथ ने एक शॉट गन से विक्टर क्राउली का चेहरा ही उड़ा दिया है। वो समझती है कि शायद वो मर चुका है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि क्राउली मरा हुआ नहीं होता और वो फिर से उड़ जाता है। मैरी बेथ को वहाँ पर उनके साथ आए हुए दो हंटर्स की डेड बॉडीज भी मिल जाती है, जिन्हें क्राउली ने बड़ी बेरहमी से एक चेंसों से काट दिया था। और तभी मैरी बेथ को अचानक से विक्टर क्राउली की आवाज आती है और वो जल्दी से चेंसो को स्टार्ट करती है। चेंसो स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन विक्टर क्राउली आकर उसे पकड़ लेता है और हवा में लटका देता है। क्राउली का फेस काफी इंजर्ड था और मैरी बेथ अपना हाथ ही उसके फेस में घुसा देती है, जिससे क्राउली को काफी दर्द होता है और वो उसे छोड़ देता है और सीधा जाकर उस चेंसो पर गिरता है जिसे मैरी बेथ ने स्टार्ट किया था। चेंसो उसे बीच में से काट कर उसके दो टुकड़े कर देती है। तब मैरी बेथ उसका थोड़ा बहुत बचा कुछ असर उठाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि विक्टर क्राउली दोबारा जिंदा ना हो जाए। और वो चलते चलते सौंप से बाहर सिटी में आ जाती है। सिटी में आते ही वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ उसे खून में लगकर एक हाथ में शॉटगन और दूसरे हाथ में किसी का स्कल पकड़ा हुआ देखते हैं तो सब लोग काफी डर जाते हैं। पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी और वो सिर्फ इतना कहती है कि सौंप में सब लोग मर गए हैं। ये बात सुनकर एक पुलिस ऑफिसर अपना एक यूनिट सौंप में भेज देते हैं। मैरी बेथ को साफ कर लेने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि जितना भी खून उसकी बॉडी पर लगा हुआ था वो उसका नहीं था। उसकी बॉडी पर छोटे मोटे स्क्रैच थे, ज्यादा बड़ा जख्म नहीं था। शेरिफ उससे सारी इंक्वायरी लेता है। पिछले दो दिनों से उसके साथ जो कुछ भी होता रहा वो सब उसे बता देती है। शेरिफ को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सौंप पर इतने सारे लोग मर गए हैं और वो सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैचेस के साथ बचकर यहाँ पर आ गई है। और वो उसकी विक्टर क्राउली वाली स्टोरी को फजूल कह रहा था, क्योंकि असल में वो उसे ही किलर समझ रहा था। तभी उस यूनिट में एक पुलिस ऑफिसर रेडियो के जरिए शेरिफ से कॉन्टेक्ट करता है। वो बताता है कि सौंप का बहुत बुरा हाल है, लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है और डेड बॉडीज की हालत तो देखने के काबिल ही नहीं है। उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर्स वॉमिट कर रहे हैं। शेरिफ उसी वक्त रेंजलो को पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज बनाकर सौंप के लिए निकल पड़ता है। और तभी वहाँ शेरिफ की एक्स वाइफ अमेंडा आती है। वो एक जर्नलिस्ट थी और विक्टर क्राउली के बारे में उसे बड़ा क्रेज था। वो काफी अच्छे से उस पर रिसर्च कर रही थी। वो किसी तरह विंजलो को मनाकर मैरी बेथ से पूछताछ करती है, जबकि मैरी बेथ उसे कुछ भी बताने के लिए एग्री नहीं थी और मैरी बेथ से काफी इंक्वायरी करती है, लेकिन मैरी बेथ उसे कुछ भी बताने के लिए एग्री नहीं थी। तब अमेंडा उसे कहती है कि इतने सारे लोगों के मर्डर के केस में उसे फांसी हो जाएगी। वो उसे लालच देती है कि सिर्फ वो ही उसे बचा सकती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। और फाइनली मैरी बेथ उसे सब कुछ बता देती है और मैरी बेथ पूरी श्योर थी कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है। लेकिन अमेंडा उसे कहती है कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में विक्टर क्राउली जैसे भूतों को रिपीटर्स कहते हैं, जिसे कि कभी भी मारा नहीं जा सकता और चाहे जो भी हो जाए किसी भी हालत में उसे दोबारा जिंदा हो जाना है। लेकिन मैरी बेथ को तो श्योर था कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है। दूसरी तरफ सौंप पर मेडिकल टीम पहुँच गई थी और वो सबके डेड बॉडीज को इकट्ठा कर रहे थे और वहीं पर उन लोगों को विक्टर क्राउली की बॉडी भी मिल जाती है और वो उसे भी सील करके एम्बुलेंस पर ले आते हैं और उन्हें बॉडी कलेक्ट करते करते रात हो जाती है। लेकिन अभी भी उन्होंने कुछ बॉडीज उठानी थी। रैंडी आराम से बैठकर एम्बुलेंस में अपना काम कर रहा था। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो अपना फेस टर्न करता है तब विक्टर क्राउली शॉक देने वाली मशीन को उसके चेहरे पर लगाकर उसका चेहरा ही उड़ा देता है। तब शोर सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ चेक करने जाता है। तभी बोट में से क्राउली बाहर आता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपनी पूरी गन क्राउली के ऊपर खाली कर देता है, जिससे क्राउली नीचे गिर जाता है और हैमिल्टन समझता है कि शायद वो मर गया है। और तभी क्राउली फिर से उठ जाता है और हैमिल्टन विंस्लो से कांटेक्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता क्राउली उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ विंस्लो को सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई देती हैं और जब उन चीखों को अमेंडा सुनती है तब वो फौरन समझ जाती है कि क्राउली वापिस आ चुका है और कहती है कि वो जानती है कि विक्टर क्राउली का खात्मा कैसे किया जा सकता है। और वो विंस्लो को मैरी बेथ को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और उधर दूसरी क्राउली एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को मार रहा था और मरने वालों की चीखें विंस्लो भी सुन रहा था और वो अमेंडा पर ट्रस्ट करके मैरी बेथ को आजाद कर देता है। तब तक शेरिफ भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था और तभी वहाँ पर स्वैट टीम भी आ जाती है, जिसका इंचार्ज टाइलर उस ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेता है। दूसरी तरफ अमेंडा मैरी बेथ और विंस्लो को लेकर एक आदमी के घर जा रही थी और वो आदमी थॉमस क्राउली का इकलौता रिश्तेदार था और उसकी राख भी उसी के पास थी। अमेंडा का प्लान ये था कि क्राउली जो कि अपने फादर को ढूंढ रहा है और
मैरी बेथ अपने हाथों से क्राउली के फादर की राख उसे दे देगी तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन उसके इस प्लान के लिए मैरी बेथ बिल्कुल भी अग्री नहीं होती। अमेंडा उससे थॉमस की राख मांगती है और वो किसी भी सूरत में उन्हें वो राख देने वाला नहीं था। और जब अमेंडा के पास कोई रास्ता नहीं बचता तब वो विंस्लो की गन उसके ऊपर तान देती है और जब वो राख उसे देता है तो वो राख लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ जंगल में पूरी टीम उस जगह को चेक कर रही थी और हर जगह उन्हें डेड बॉडीज मिलती है। उन्हें देखकर वो उनका पीछा करते थे लेकिन डेड बॉडीज की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें देखकर उनकी भी बुरी हालत हो जाती है। और तभी झाड़ियों में से कोई आता है लेकिन इस बार विक्टर क्राउली नहीं था, वो था एंड्रियो जो किसी तरह बच गया था। वो कहता है कि विक्टर क्राउली ने सबको मार दिया है और उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर शेरिफ मिलिट्री को वहाँ बुलाने लगता है लेकिन टाइलर उसका रेडियो तोड़ देता है और कहता है कि इस सिचुएशन को वो खुद ही टैकल कर सकता है। और अचानक से झाड़ियों में से किसी की मूवमेंट फील होती है और तब वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के बाद टाइलर आगे चेक करने जाता है तब वो दिखता है कि वो जंगली जानवर का छोटा सा बच्चा है। और तभी सामने से क्राउली की आवाज आती है और वो सब पीछे हटने लगते हैं। वो सब लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं और अपना एक एक कदम भी वो बड़ा सोच समझ कर रख रहे थे। तभी एक साइड से क्राउली निकलता है और एक ऑफिसर को मार देता है जबकि दूसरे ऑफिसर को वो हुक्मी फंसाकर अपनी तरफ खींचता है और बदले में वो सब उसके ऊपर काफी फायरिंग करते हैं लेकिन वो फिर भी उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और तब शेरिफ आगे बढ़कर उसकी रस्सी को काट देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन क्राउली उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसे अंदर खींच लेता है और वो लोग पीछे हटकर एक बार फिर से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। टाइलर उसे चारों तरफ से घेर लेने के लिए ऑर्डर देता है और जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होते हैं क्राउली एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और कई सारे ऑफिसर्स उसे पकड़कर मारने लगते हैं लेकिन एक ही झटके में वो सबको पीछे की तरफ पटक देता है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो एक एक करके सबको मार रहा था। उनकी गोलियां भी उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं कर रही थी जबकि टाइलर की गन की गोलियां खत्म हो गई थी और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं लेकिन क्राउली उसे कोई भी मौका दिए बगैर उसकी रीढ़ की हड्डी खींचने लगता है और तब क्राउली स्कल्स में उसकी स्पाइन को बाहर निकाल देता है। ये देखकर कॉरी अपना आरपीजी रेडी करता है और उसके ऊपर फायर कर देता है जिससे क्राउली का पूरा घर तबाह हो जाता है। तब कॉरी सेलिब्रेट करने लगता है कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है और तभी सामने से विक्टर क्राउली आ जाता है और क्राउली उसके हाथ पांव उखाड़ कर उसे भी बेरहमी से मार देता है। तब मौके का फायदा उठाकर शेरिफ एंड्रियो और मिकाइला अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। बोर्ड के रेडियो से शेरिफ वहां पर मिलिट्री को बुला ही लेता है। वो कहता है कि बहुत सारे गनमैन ने उन पर फायरिंग कर दी है और यहां पर वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि अगर वो विक्टर क्राउली का नाम लेता तो कोई मिलिट्री भेजने की बजाय गार्ड भी ना भेजता। एम्बुलेंस में वो तीनों खुद को सेफ समझ रही थी और तभी क्राउली अपनी बेल्ट सैंडर से उसे काटना शुरू कर देता है। क्राउली उस एम्बुलेंस में एक बहुत बड़ा होल बना देता है। एंड्रियो के सामने एक हथौड़ा पड़ा था और जब वो उसे उठाने लगता है तब विक्टर क्राउली उसे पकड़ लेता है। मिकाइला हथौड़े से क्राउली के हाथ पर मारकर एंड्रियो को बचाती है और अमेंडा विंस्लो मैरी बेथ के साथ क्राउली के घर तक पहुंच जाती है और वो जोर जोर से क्राउली को बुलाने लगती है और जब क्राउली उसकी आवाज सुनता है तो वो वहां से चला जाता है। इतने में शेरिफ भी अमेंडा की आवाज पहचान लेता है और उसे बुलाने के लिए वो बाहर आता है। तभी विक्टर क्राउली उसे पकड़कर उसकी फेस का बुरा हाल कर देता है। शेरिफ की गन मिकाइला के सामने गिर जाती है और वो सोचती है कि शायद वो इजीली उसे उठा सकती है और जैसे ही वो उसे उठाने लगती है विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है। तब एंड्रियो उसकी कुछ भी मदद नहीं करता और चुपचाप उसे मरते हुए देखता है। अमेंडा उसे कॉन्टिन्यूसली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अमेंडा थॉमस की राख को मैरी बेथ के हाथ में देती है। क्राउली राख को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैरी बेथ के फादर ने जो भी उसके साथ किया था उसके लिए वो माफी मांगती है और राख को उसके सामने रख देती है। क्राउली राख उठाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन विंस्लो समझता है कि वो मैरी बेथ को शायद मारने वाला है और वो उसे शूट करने लगता है। वो दो पिस्टल जितनी गोलियां उस पर खत्म कर देता है और सोचता है कि शायद वो मर गया है और तभी क्राउली खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से ही बीच में से उसे चीर फाड़ कर देता है। तब
अमेंडा जल्दी से राख को उठाकर मैरी बेथ के पास फेंक देती है और उसे कहती है कि वो दोबारा क्राउली को वो राख दे, और तब क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और वो बेचारी जो इतने अरसे से उस पर रिसर्च कर रही थी वो उसे भी मार देता है। अमेंडा का सर वो धड़ से अलग कर देता है और उसे मारने के बाद वो मैरी बेथ को एक ट्री से लटका देता है। और आज 2 दिन गुजर जाते हैं और अब वो उसे मारने वाला होता है और तभी मैरी बेथ वो मटका उसके ऊपर मार कर तोड़ देती है और क्राउली के फादर की राख उस पर गिर जाती है। और जैसे ही वो राख क्राउली की बॉडी पर गिरती है क्राउली मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट होते होते वो काफी हद तक पिघल चुका होता है और मैरी बेथ एक टहनी तोड़कर उस ट्री से खुद को आजाद कर लेती है और शॉटगन उठाकर उसकी दोबारा से जिंदा होने का वेट करती है। लेकिन इस मर्तबा किस्मत उसका साथ नहीं देती और अब वो जिंदा नहीं होता और वो बचे हुए क्राउली के कुछ पार्ट्स को शॉटगन से उड़ा देती है और यहाँ पर क्राउली का खात्मा हो जाता है क्योंकि उसकी हड्डियाँ तक जल चुकी थी। और दूसरी तरफ मैरी बेथ की हालत भी काफी खराब थी और तभी वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मैरी बेथ की सांसें अब बंद हो रही थी, उसकी हार्ट बीट ठीक से काम नहीं कर रही थी और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।